हेरोइन की सप्लाई करने वाले दो तस्कर को CIA-2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चुनमुन गुप्ता उर्फ गोलू जो कि 22 साल का है और शिव यादव जो कि 20 साल का है उसके रूप में हुई है। उनके कब्जे में 60 ग्राम हेरोइन, करीब 98,000 की नकदी, एक बुलेट बाइक, स्कॉर्पियो गाड़ी, सोने की अंगूठियां और इलेक्ट्रॉनिक कंडा बरामद हुआ है। आपको बता दें आरोपियों ने स्कॉर्पियो पर पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था और उसी पर हेरोइन की सप्लाई करते थे जिससे नाके पर पुलिस उन्हें ना रोके। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें ADCP रुपिंदर कौर ने ACP गुरप्रीत सिंह और CIA-2 इंचार्ज बेयंग जुनेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मिलकर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि टीम की ओर से अरोड़ा पैलेस के नजदीक नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान शक के आधार पर पुलिस ने बुलेट बाइक सवार दोनों आरोपियों को रोका। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से पुलिस को 30 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई है और इसी पूछताछ के दौरान उनकी लोकेशन पर रेड भी की गई जहां से ये सारा सामान बरामद किया गया। आरोपियों ने गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा रखा था जिसमें वो हेरोइन की सप्लाई जो है वो करते थे। इसके साथ ही आरोपी हेरोइन लेकर भी उसी में आते थे और कई बार सप्लाई देने जाने के लिए उसका इस्तेमाल भी करते थे ताकि नाके पर पुलिस उन्हें ना रोके। पूछताछ में गोलू ने बताया है कि उसके खिलाफ नशा तस्करी का एक पर्चा भी दर्ज है। 4 महीने पहले ही वो इसी मामले में जेल से बाहर आया था और आने के बाद उसने दोबारा से तस्करी का काम शुरू कर दिया। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए लुधियाना।